नावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। वार्षिक उत्सव समारोह में नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में नावा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, जिससे लोगों में उत्साह व उमंग है। नावा क्षेत्र को बजट में कई स्कूल को क्रमोन्नत किया व 5 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी नावा विधानसभा क्षेत्र के राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा ग्राम पंचायत श्यामगढ़ तथा राजस्थान प्राथमिक घरवानी ग्राम पंचायत सिपुपुरा में विद्यालय के वार्षिक उत्सव एवं कई स्कूलों की 10वीं से 12वीं करने का लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विद्यालय जिससे ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सकेगा और ग्रामीण विद्यार्थियों द्वारा पे देश की तरक्की में योगदान दिया जा सकेगा, जिसके लिए नावा क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री राजस्थान का आभार प्रकट करता हूँ। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया गया, जिससे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान सहित कई लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रांगण में आज यहाँ हमारे जनसेवक उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पधार रहे हैं। अभी आप लोग से महेंद्र चौधरी से रूबरू कराऊंगा, अभी उन्होंने आने वाला ही है। अभी आपको यहाँ पे एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव के बारे में हमारे यहाँ और भी मौजूद है, मैं थोड़ा सा बात कराता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मैं रामनिवास चावला, व्याख्याता स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाव में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे भाई महेंद्र जी चौधरी, जो वर्तमान में हमारे नावा के विधायक है और राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक है, आज हमारे इस विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा पैतृक गांव है, ये मेरी स्कूल है जहाँ पर मैंने अध्ययन किया है। स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ मैं, और यहाँ से मैं 6th क्लास से लेकर 11th क्लास मैंने पास करी है। उस स्कूल के प्रोग्राम में मैं आज उपस्थित हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि इन बच्चों को जब देखता हूँ तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है। इसका एनुअल फंक्शन है आज नावा में, उस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ। बजट घोषणाओं को लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, और इसलिए लोग आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत कि आप यहाँ पर पधारे और आप अपनी बात को, संदेश को पूरे राजस्थान में पहुँचा रहे हैं। जिस प्रकार बजट सत्र चल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कल फिर एक बार रिप्लाई अपना पेश करेंगे बजट के अंदर, और अनुदान की मांगों पर चर्चा हो चुकी है और बिल्स वगैरह जो है अब सदन के अंदर कल से वापस रखे जाएंगे। सर जी, बजट के बारे में बताइए, सबसे ज़्यादा आपके नागौर जिले में तो बजट मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। बजट तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा बजट जो है वो नावा विधानसभा क्षेत्र में पहले भी मिला है और अभी भी मिला है। मुख्यमंत्री जी की कृपा है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है नावा के ऊपर कि 5-5 कॉलेज देना और कई व्यवस्थाएं करना हर प्रकार से। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बजट बहुत शानदार ऐतिहासिक बजट रहा है और नावा के अंदर भी बहुत बढ़िया बजट दिया गया है। और सर कल आपने कहाँ से लोकार्पण किया और किस चीज का लोकार्पण किया? कल मैंने कुछ स्कूल कर्मोन्नत करी नावा विधानसभा क्षेत्र में, 20 स्कूल कर्मोन्नत हुई है सेकेंडरी से सीनियर हायर सेकेंडरी में, उनका मैं कर्मोन्नत का उनका मैंने प्रोग्राम किया था। और एनुअल फंक्शन भी जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, कल भी मेरे 2 जगह था और आज भी मैं नावा में, उसके बाद में मुवाणा के अंदर भी है 2 एनुअल फंक्शन और प्रोग्राम भी उसके अंदर भी है। धन्यवाद सर जी, आपको हमारा चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आज इस प्रोग्राम में बढ़िया कार्य के लिए और बचपन की जिंदगी को दिखाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ इसीलिए आपको हमारा चैनल की तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं।